एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार, केजरीवाल के वादे में कितना दम है और इसके लिए क्या ओपिनियन पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। इन 70 सीटों के लिए किस पार्टी को कितनी सीटें यहां पर जा सकती हैं और किसको कितना फायदा, किसको नुकसान होगा, आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन केजरीवाल के वादे में कितना दम है, अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल, ये आम आदमी का रिपोर्ट कार्ड है जिसमें उन्होंने 5 साल में किए गए वादों को उन्होंने बताया, जिसमें फ्री बस सेवा यहां पर चालू की है। फ्री शिक्षा की अगर बात करें तो बेहतर शिक्षा को बनाने का प्रयास यहां पर किया गया केजरीवाल के द्वारा, यहां पर इन बातों को रखा गया। और इसके अलावा अगर बात की तो वाईफाई सुविधा और बिजली बिल फ्री यहाँ पर, और यहाँ पर पानी के जो बिल है उनको कहीं ना कहीं फ्री करने का प्रयास अभी तक किया जा रहा है। कई ऐसी योजनाओं को लागू किया गया जो दिल्ली के लिए एक बेहतर यहाँ पर शहर प्रदान कर सके, ऐसा यहाँ पर आम आदमी के रिपोर्ट कार्ड में कई बातों का जिक्र है। तो अब की बार दिल्ली में किसकी बनने जा रही सरकार, क्योंकि 2015 में दिल्ली में एक तरफा जीत यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने दर्ज की थी, लेकिन 2020 में क्या आंकड़े बनेंगे, क्योंकि बहुत जल्द इसकी चुनाव आयोग घोषणा करने वाला है। और किस प्रकार से चुनावी मैदान में कौन बड़े दिग्गज इस बार महारथी चुनावी मैदान में होंगे और उनके पक्ष में कौन बड़े दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में उतरकर उनका समर्थन करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दिल्ली का क्या कहता है ओपिनियन पोल, जो आंकड़े फिलहाल यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें तो केजरीवाल के बाद इनका कितना दम है, इस सवाल को लेकर आगे चलते हैं और बात करते हैं दिल्ली में अब की बार किसकी बन सकती सरकार। अगर बात की तो लोकसभा के चुनाव बीजेपी के पक्ष में रहे, 7 सीट बीजेपी ने हासिल की और इस बार कह सकते हैं कि मनोज तिवारी की अगुवाई में बीजेपी चुनावी मैदान में उतर सकती है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब तक कांग्रेस कमेटी ने ये तय नहीं किया है कि उनकी तरफ से मुख्यमंत्री पद कौन संभालेगा और कौन चुनावी मैदान में हो सकता है। लेकिन बीजेपी को चौंकाने वाले आंकड़े अब तक विधानसभा में निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर बात करें तो महाराष्ट्र की और हरियाणा और झारखंड, तीनों ही राज्यों में बीजेपी को जमकर नुकसान लगा है। झारखंड में तो बीजेपी को यहां पर सहयोगी दलों ने ही यहां पर कह सकते हैं कि नुकसान दिया है, और जिसमें यहां पर सरयू राय उनके ही पक्ष के थे, उन्हें एक बड़ा झटका बीजेपी को दिया है। तो इस बार क्या यहां पर दिल्ली में बीजेपी गठबंधन कर सकती है, ऐसे आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। और कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में तो बीजेपी के सहयोगी दल यहाँ पर शिवसेना ने बड़ा झटका दिया, तो कह सकते हैं कि झटका बीजेपी को लगा है, तो क्या ये झटका अब दिल्ली में भी लगने जा रहा है, तो क्या इसके लिए दिल्ली में अब बीजेपी ने कुछ नई रणनीति तैयार कर ली है, क्योंकि एनआरसी और सीए का विरोध जमकर यहां पर दिल्ली में किया गया है और इसका नुकसान बीजेपी को होगा या फायदा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल काफी यहाँ पर भरोसे में है और उनके कामकाज से लोग काफी प्रसन्न भी हैं और कई तरह के ऐसे कमेंट होते हैं उनको भी देखा जाता है। कमेंट में साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम साफ तौर पर निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन फिलहाल के आंकड़े अगर आपको दिखा दें तो बीजेपी 1820 सीटें हासिल कर सकती है। अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी 1820 सीटें हासिल कर सकती है, कांग्रेस को 4 से 5 सीट, क्योंकि कांग्रेस को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी 47-49 सीटें हासिल कर सकती है, इसका सीधा तौर पर मान है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सरकार बना सकती है और एक बहुमत का जो आंकड़ा है वो 36 है, लेकिन कई ज्यादा सीटें यहां पर आम आदमी निकाल कर ला रही है। फिलहाल ये आंकड़े निकल कर सामने आया दिल्ली के लिए, तो दिल्ली में यहाँ पर केजरीवाल एक बार फिर से सरकार बना सकते हैं, उनके कामकाज में इतना दम है, उसी कामकाज के बेस पर वो एक बार फिर से दिल्ली के अंदर सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। ये फिलहाल ये कई बड़े एक्सपर्ट लोगों के राय ओपिनियन पोल हैं और उनके ही आधार पर आपको ये सर्वे दिखाया है जिसमें केजरीवाल एक बार फिर से सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। फिर भी आपको क्या लगता है दिल्ली में आपकी बात किसकी सरकार, किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और नई जानकारी पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।